मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी दो कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहाँ ली होगी, वो मैंने सोपोर में ली, जहाँ के सोपोर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की, जहाँ गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लूंगा, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त भाई बहनें, मैं ये कह सकता हूँ कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज़ कमाई है।